शेख शादी की पुस्तक गुलिस्ता पहला अध्याय 25वीं कहानी। वो बामदाद गर आयद कसे व खिदमते शाह सोम हर आयना दर वे कुनद व लुत्फ निगाह। अर्थात बादशाह की सेवा में एक बार जाकर ही निराश मत हो जाओ, यदि तुम दो बार भी उनके पास से खाली लौट आओ तो भी तीसरी बार जाओ उनकी दया दृष्टि जरूर उस बार तुम पर पड़ेगी। अरब देश के किसी बादशाह ने अपने वजीरों को किसी शख्स की तनख्वाह दूनी कर देने का हुक्म दिया, क्योंकि वह शख्स बराबर हाजिर रहता था और सदा अपना कर्तव्य पालन करता था, जबकि दूसरे दरबारी फिजूल खर्च अय्यास और अपने काम की तरफ से बेपरवाही करने वाले थे। एक चतुर मनुष्य ने यह बात सुनकर कहा कि ईश्वरीय दरबार में भी इसी तरह उच्च पद दिए जाते हैं। अगर कोई मनुष्य दो दिन तक सावधानी से बादशाह की खिदमत करता है तब तीसरे दिन अवश्य ही कृपा पात्र हो जाता है। सच्चे उपासकों के दिल में पक्का विश्वास रहता है कि हम ईश्वर की दहली से बिना पुरस्कार पाए न लौटेंगे। आज्ञा पालन करने से मनुष्य बड़ा होता है, किंतु आज्ञा पालन न करने से निकला जाता है। जो सत्पुरुष होता है वह अपना मस्तक आज्ञा पालन की दहली पर रखता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह नसीहत मिलती है कि जिस हालत में हम किसी की नौकरी करें हमें अपने मालिक की खिदमत दिल जान से करनी चाहिए। उसकी सेवा में किसी भांति की भी त्रुटि करना अनुचित है। मसल मशहूर है कि जो सेवा करेगा वो मेवा पाएगा, यानी सेवा करने वाले को उसकी मेहनत का एवज अवश्य मिलता है। जिस हालत में कि हम अमीर हों, हमारे अधीन थोड़े या बहुत नौकर चाकर हो, हमें अच्छा काम करने वाले और बुरा काम करने वाले सबको ध्यान में रखना चाहिए। जो नमक हलाल मेहनती और आज्ञा अनुसार चलने वाले हों उनका वेतन बढ़ाना चाहिए या उन्हें पुरस्कार देना चाहिए। अगर अच्छा काम करने वाले नौकरों को पुरस्कार न दिया जाएगा या उनकी वेतन वृद्धि न की जाएगी तो उनका दिल टूट जाएगा। ईश्वर भी जैसी जिसकी चाकरी होती है उसको वैसा ही फल देता है। कहानी समाप्त।